तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक गेम का लोगो। वो आप लोग देखते ही पहचान जाओगे, नहीं तो मेरे टाइटल में पढ़ ही लिए होगे, अभी तो आ रहे हो वैसे भी। तो फ्लिप बुक हम लोग का निकलने वाला है, आपको मालूम है। और ऐसा मैंने बहुत सारे गेम का बनाया, एक ही गेम का बनाया फ़िलहाल, तो दो गेम का बनाया। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो मेरे। तो भाई ये है फ्री फायर का एक, और शेडो फाइट का भी था जो मैंने रखा है अभी तक। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ, एकदम मस्त लगा रहेगा आपको। अगर आपने देखा रहेगा, आपको देखना तो जाके देख लो, इतने छोटे ड्राइंग बुक में बनाया हूँ। ओके, और ये मैं पेंटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये पेपर में तो बन नहीं पाएगा, इसके लिए मैं मतलब कि इसमें बनाते हैं तो ये पूरा ऐसे हो जाता है, समझे। ये हार्ड DSM का नहीं है, इसके लिए मेरे को एक पेपर लाना है जो स्पेशली इसका ही रहेगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग का अपना पेंटिंग सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, पर वो मैं स्टार्ट करूँगा 300 सब्सक्राइबर पे, तो प्लीज़ कर देना। तो मेरा अपना गेमिंग चैनल भी मैं शुरू करने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, मैं अपना गेमिंग चैनल भी शुरू करने वाला हूँ 1000 सब्सक्राइबर पे पर, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही गेमिंग चैनल हम लोग का शुरुआत होगा। तो गाइस ये हम लोग का 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक पूरा 16 सेंटीमीटर है, 2 2 2 2 2 ऐसा एक पूरा पिक्सल है। बाद में दोनों को लाइन मार देने का है, और बाद में ये 8, ये भी 8, दोनों सेम है क्या, ये भी 16 और ये भी 2 सेंटीमीटर का। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं, तो पहले इसको शॉर्प कर लेते हैं, हो गया शॉर्प। ओके, इतनी जल्दी हो जाता है हम लोग का। ओके, तो हम लोग बनाना शुरू कर देंगे। तो मैं स्केच का मटेरियल बता दे रहा हूँ, ये है हम लोग का मोनो इरेजर, सस्ता तो भी काम कर लेता है एकदम, मतलब उससे भी अच्छा। ओके, तो हम लोग का ब्लेंडिंग स्टम्प, और ये हम लोग का वाइट पेन, और ये नीडेड इरेजर, और कुछ पेंसिल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा पर मैं ये यूज़ करूँगा चारकोल में से, ये चारकोल पेंसिल का कैमलिन पेंसिल यूज़ करूँगा, बाकी सब अप्सरा पेंसिल, आप लोग शेड दे के समझ जाओगे। ओके, तो मैं ये सब बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो पहले हम लोग आउटलाइन बना देंगे, उसके बाद में हम लोग बनाना शुरू कर देंगे स्केच। तो आप चैप्टर्स में देख ही रहे होंगे, मैं चैप्टर भी अभी रखना शुरू कर दिया हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, हेलो गाइस, तो ये अपना इतना हो चुका है, आप देख सकते हो वन फेस बन चुका है, वन फेस नहीं बना है इतना मालूम है। तो पहला फेस बन चुका है, तो आपको इतना ही मालूम चलेगा, क्लैश ऑफ क्लैंस का हम लोग बना रहे हैं आराम से, आपको मालूम चल जाएगा इतने में। हम लोग इधर का डायमंड बना, बाकी हम लोग बाद में स्केच कर देंगे, तो और भी अट्रैक्टिव लगेगा, और भी अच्छा लगेगा, तो गाइस हम लोग का फ्लिप बुक ड्राइंग शुरू हो चुका है, जाके आप देख लेना सीरीज। तो मैं बनाऊंगा उसको अभी फ़िलहाल, तो बहुत सारा रखा है मेरे पास, तो उसका भी बनेगा, टेंशन मत लो, कुछ 15 दिन के बाद नहीं तो 10 दिन के बाद बन जाएगा। तो अभी हम लोग इसका बनाना सेकंड फेज शुरू करते हैं,
मतलब ये ब्लू है, इधर का साइड जो है ब्लू है, इधर का साइड रेड है, जो खेलता है वो मालूम रहेगा उसको ये लोगो ब्लू अच्छा रेड पूरा इतना मालूम रहेगा। तो गाइस ये स्केच है, इसके लिए इसके अंदर ना ब्लू दिखने वाला ना रेड, तो इसके लिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। ओके तो अभी बनाना शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो गाइस ये अपना बन चुका है, आप देख सकते हो आउटलाइन तो बन चुका है हम लोग का, बस शेडिंग ही बाकी है गाइस। तो ये गाइस ये बीच में बिजली कड़कती हुई दिखाया है। ओके आप समझो मत कि ये क्या बीच में बना दिया है, वो आपको बन जाएगा टोटल तो अपने आप ही आपको दिमाग में धस जाएगा कि मैं क्या बनाने की कोशिश किया हूँ। ओके तो अभी हम लोग स्केच करना शुरू करते हैं। मैं मटेरियल्स तो बता दिया और बाजू बाजू में भी रखा है, बस थोड़ा मैं क्लीन करके मैं बताना शुरू कर देता हूँ। और आप भी से प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, 300 सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग मालूम है ना क्या शुरू करने वाले हैं, वो हम लोग शुरू कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट हम लोग शुरू कर देते हैं अपना स्केच। तो उससे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा क्लीन कर देना आजू बाजू का और थोड़ा अच्छे से ला देना शेप में, एक मिनट रुको। तो सर आप लोगों को और आसानी पड़ेगी मालूम करने के लिए, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो। फ्लिप बुक का भी ड्राइंग आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और गेम का भी मैंने प्लेलिस्ट शुरू कर दिया है सीरीज, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। ओके तो गाइस अगर आपको ये वीडियो टाइम लैप्स लगे कि मतलब होया नहीं जा रहा है आपसे, ये वायर साला आ जा रहा है, आपको अगर ये सॉफ्ट लाइट बनाना है, आप देख सकते हो ये दो बॉक्स है, अगर आपको ये सॉफ्ट लाइट बनाना है, क्या है ना आजू बाजू पूरा अंधेरा होता है, देखो पूरा अंधेरा, इसकी वजह से मैं सॉफ्ट लाइट का यूज़ करता हूँ और अच्छा भी ग्लो करता है ड्राइंग। अगर आपको देना है तो पूरा ऐसा मतलब ग्लो करता है हैंड और परछाई नहीं आती, एकदम सॉफ्ट आती है, जिससे आपको दिख भी जाएगा वैसे भी। अगर आपको ये बनाना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप कर सकते हो, सब कुछ होममेड मटेरियल सब आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बनाना शुरू कर देंगे, क्लीन कर देता हूँ। और गाइज यहाँ पे मैं हाईलाइट और ब्लेंडिंग का सामान रखता हूँ यहाँ पे। ओके ये ब्लेंडिंग हो गया, ये भी हाईलाइट के लिए यूज़ आता है, ये भी हाईलाइट के लिए यूज़ आता है, और गाइज ये भी नहीं कुछ नहीं, ये भी हाईलाइट के लिए यूज़ आता है। और हाँ मैं मोनो इरेजर का नया वीडियो बनाने वाला हूँ, जो शायद कल नहीं तो परसों अपलोड हो जाएगा, और ये भी हाईलाइट के काम आता है, इसका यूज आएगा डायमंड वेमंड पे थोड़ा चमकाने के लिए। और गाइज ये है हम लोग का स्केच का पूरा, यहाँ पे मैं सामान रख दे रहा है, तो ये टेढ़ा क्यों है यार, एक मिनट को। तो गाइज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी। तो कोई कभी कभार मैं इससे भी शेडिंग कर दूंगा अगर लाइट पड़े, आप लोग देख लेना बीच बीच में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गलती से इतना स्किप हो गया। ओके तो मैंने यहाँ पे बस यही पेंसिल मतलब ये पेन का यूज़ किया है यहाँ पे कॉर्नर में, और थोड़ा डार्क कर दिया ये पोर्शन को, इधर का थोड़ा लाइट, इधर का भी थोड़ा लाइट। ओके तो स्टार्ट करते हैं बनाना। और गाइस बीच बीच में मैं
ग्रेफाइट पाउडर भी यूज़ करूँगा, और ये वाला पेंट ब्रश जोकर का 3, ओके 3 नंबर का है। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ये हमारा बन चुका है, तो आप देख सकते हो कितना सारा डिटेलिंग है और कितना अच्छा लग रहा है। ओके, तो मैंने बाजू में रख दिया जो जो इस्तेमाल किया हूँ, ये इस्तेमाल में लगा ही नहीं, आई एम सॉरी कि मैंने इसको बताया। तो ये कैसे बनाते हैं, ये होममेड है, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, और मोनो इरेजर कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास है तो नहीं, इससे काम चल जाता है अच्छा खासा, तो भी मैं बता देता हूँ आपको इसका भी अगले वीडियो में। तो नीचे वाले प्लेलिस्ट में ज्वाइंट कर लो जिसमें मैं बोलूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइस प्लीज़। तो गाइस हम लोग फर्स्ट फेज बन गए, सेकेंड फेज बनाएंगे। तो गाइस हम लोग का फ्लिप बुक एनिमेशन वो का स्टार्ट हो चुका है, तो मैं 15 दिन के बाद उसका वीडियो डालने वाला हूँ उसका बना के, और मैंने उसका अलग से पेपर भी रखा है, अब उसमें सब बता दिया कैसे मैं प्रोसेस करने वाला हूँ, कैसे मैं क्या करने वाला हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो मिल जाएगा, तो जाके देख लेना, और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, ज्वाइंट कर लेना। ओके, नहीं तो मैं एंडिंग स्क्रीन पर भी डाल लूँगा। और गाइस लेट्स स्टार्ट, बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर कर दिया तो मैं गेमिंग चैनल अपना शुरुआत कर दूंगा, तो प्लीज़ शुरुआत करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो प्लीज़। और गाइस हम लोग का 800 पे मैं सस्ता फेस रिवील कर दूंगा, मतलब फेस रिवील करूंगा पर अलग तरीके से, और फेस रिवील सेटअप, और हम लोग गेमिंग भी खेलेंगे 1000 सब्सक्राइबर पे। तो मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही पढ़ लेना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तो मैं लास्ट में सिनेमैटिक सीन डाल दूंगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा ड्राइंग बना है, सिनेमैटिक सीन में देखना मत भूलेगा, तो एंड स्क्रीन में मैं सब डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और डिस्क्रिप्शन में भी सब रहेगा, आपको रेफरेंस मिल जाएगा, मैं बहुत बार बोलता हूँ पर कोई चेक करता कि नहीं क्या मालूम, जो चेक करता है ऊपरी लिंक मतलब कमेंट में बोल देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। The attention, but you know I'm on a mission. Yeah, I know you love the attention, but I don't do second guessing.